पूरा देश अभी कोरोना की मार से उभरा भी नहीं है और दूसरी ओर चाइना की एक रहस्यमयी बुखार ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। जी हाँ, चाइना से निकली एक रहस्यमयी बुखार के चलते अब भारत की पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि बीते दिन ACS शुभ्रा सिंह ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेते हुए चाइना से निकली इस रहस्यमयी बुखार को लेकर सभी अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि वह तुरंत प्रभाव से सभी तैयारियों को पूरी करें, क्योंकि कोरोना के अंदर अधूरी तैयारियां एक बड़े मौतों के आंकड़ों का कारण बना था। अब चाइना से ये जो बुखार निकली है, ये कितनी घातक हो सकती है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, किस तरीके से मेडिकल सुविधाओं से इन पर पार पाया जा सकता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मेडिकल डिपार्टमेंट अपनी ऑक्सीजन व्यवस्था के साथ ही दवाइयों की पूर्ति भी पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। इस रहस्यमयी बुखार के कुछ लक्षण हैं जो सामने आए हैं, इसमें आपको बता दें कि सर्दी, जुखाम, बुखार, इनका ज्यादा दिनों तक रहना, इसके साथ ही सीने में जकड़न, इसके साथ ही अगर बात करें कि जो मरीज है, जो इस बुखार से पीड़ित है, उसको सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें भी सामने आ रही है। राजस्थान का पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट इस समय अलर्ट मोड पर है। राजस्थान के हर अस्पताल में इस रहस्यमयी बुखार से निपटने के लिए मॉक ड्रिल जारी है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS हॉस्पिटल में भी एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें सभी चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया गया है, उनका निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाइयों का स्टॉक, यह चेक किया जा रहा है। साथ ही पूरा मेडिकल जो टीम है वह सतर्क और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे में 2020 में चाइना से निकला कोरोना, जिसने पूरे विश्व में तबाही मचाई थी, उसके बाद अब ये जो रहस्यमयी बुखार है, इसके कहीं ना कहीं जो लक्षण हैं वह कोरोना से ही मिलते जुलते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से पूरा विश्व चिंतित नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक भारत में इस जो बीमारी है इसकी दस्तक नहीं हुई है, लेकिन सरकार और चिकित्सा विभाग किसी भी रूप में लापरवाही बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अलर्ट मोड पे पूरी तरीके से नजर आ रहा है। जब SMS अस्पताल में चिकित्सकों ने निरीक्षण किया तो इस दौरान डॉक्टरों ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। और ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और अगर इसकी डिमांड बढ़ती है ऑक्सीजन तो क्या हमारे पास उसकी व्यवस्था है। विशेषज्ञ हमने एक बहुत बड़ी चर्चा की है, ये हमारे पास पूरा आपने सुना कि डॉक्टर्स का क्या कहना है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस बुखार का अभी तक भारत में प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। ऐसे में कोरोना के बाद अब चिकित्सा विभाग दो कदम आगे की सोच कर चल रहा है, और यदि भारत में इस रहस्यमयी बुखार की दस्तक होती है तो चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से इससे निपटने के लिए अलर्ट है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।